दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, उसी के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और कैसे आप एक कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की हेल्थ चेक करने का एक पैरामीटर होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि शेयर का करंट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट में ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो, इसीलिए इसको चेक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि शेयर की जितनी वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में उससे ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि मार्केट में उस शेयर की जितनी वैल्यू होनी चाहिए अभी उससे कम वैल्यू है। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसे निकालने के लिए ही फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। अब कुछ लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म अप्रोच का यूज़ किया जाता है, मतलब इस अप्रोच से जब शेयर्स को बाई किया जाता है उसमें शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, इसे इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म अप्रोच का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस अप्रोच से जब शेयर्स को बाई किया जाता है तो इसमें शेयर्स को होल्ड नहीं किया जाता या बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करके सेल कर दिया जाता है, इसे ट्रेडिंग बोला जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक वैल्यू को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेस पे एनालाइज किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हिस्टोरिकल स्टॉक मूवमेंट का यूज़ करके फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस में न्यू मार्केट इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है, एंड टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट परफॉर्मेंस को यूज़ करके डिसीजन लिया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है, एंड वहीं टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स पर प्राइस मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किन टूल्स का यूज़ किया जाता है। शेयर के एक्चुअल प्राइस को निकालने के लिए इन्वेस्टर्स इन टूल्स का यूज़ करते हैं। पहला है अर्निंग्स। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन्वेस्टर्स को बहुत सी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, जिनमें से पहली चीज़ है अर्निंग्स। इन्वेस्टर्स को ये चेक करना होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ हद तक अर्निंग का इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में शेयर के प्राइस पर पड़ता है। जब कंपनी की रिपोर्ट में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो मार्केट में उनके शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कंपनी की रिपोर्ट्स में प्रॉफिट कम होता है तो मार्केट में उनके शेयर का प्राइस भी डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल रेशियोज़। कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए फाइनेंशियल रेशियोज़ का यूज़ किया जाता है, ताकि हमें पता चल पाए कि कंपनी ने कितना डेट यानी लोन लिया हुआ है, कंपनी हमारी कैपिटल पर कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, एटसेट्रा। इसके लिए कुछ रेशियोज हैं, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, एटसेट्रा। अगर आपको रेशियोज को डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। थर्ड इज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आती हैं कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बेसिक समझते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी की असेट और लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स होती हैं। कंपनी को बिजनेस करने के लिए कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा। इन एसेट्स को परचेज करने के लिए कंपनी को बड़ी अमाउंट में मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए वो या तो शेयर्स इशू करती है या फिर कोई लोन लेती है। तो जो कंपनी ने लोन लिया होता है वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है। कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है, कितनी अमाउंट एसेट्स में लगी हुई है और कितना कैश पड़ा है, एटसेट्रा। अब समझते हैं इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये वो रिपोर्ट है जो कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स को शो करती है और रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस भी शो करती है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो का ब्रेकअप देती है कि कंपनी कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है और कितना कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी सेल एंड परचेज ऑफ एसेट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है और कितना कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी कैश का कितना फ्लो ओनर्स और डेट यानी लोन प्रोवाइडर्स के साथ करती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसके बेसिक्स हमने समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ईजिली कैसे मिलेगी। तो मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो है टिकर टेप।
टिकट एप बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको स्टॉक्स के बारे में जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई स्टॉक देखते हैं लाइक एक्सिस बैंक, तो आपको इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेटा मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आप पीयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें आपको इस सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। होल्डिंग्स में आपको शेयर होल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर है फॉरकास्ट। इसमें हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे कंपनी के प्राइस फॉरकास्ट, रिवेन्यू फॉरकास्ट एंड अर्निंग पर शेयर फॉरकास्ट किया जाता है। यानी इसमें ये आइडिया लगाया जाता है कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। ये एक प्रीमियम फीचर है जिसको यूज करने के लिए आपको टिकट एप का प्रो प्लान परचेज करना पड़ेगा। प्रो फीचर्स में इसके अलावा आपको कंपनी में लीगल इनसाइडर ट्रेड्स एंड बल्क डील्स की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसके प्रो प्लान में मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों, टिकट एप प्रो प्लान की कॉस्ट रीजनेबल है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं 118 रुपीज पर मंथ, जिसमें कि आप पहले 14 डेज के लिए इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना है तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जैसे 3 मंथ्स पे 5%, 6 मंथ पे 10% और 12 मंथ्स पे 20%। तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए टिकट एप का यूज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।